बट कैसा रहा रिश्ता? तभी तो ऐसे तो इतने कभी किया नहीं इतने एक साल में तो फिर अरे कभी डोंट टेल मी ऋषिदा डीडी वाले एसएमएस अरे मैंने स्टेटस डाले हुए ऋषिदा मैसेज के बाद छोड़ो मैसेज के बाद मैं दस ही मिनट तुझे बोला लड़की की एंट्री तो वही जया फारूकी वाली हाँ यार मम्मी मम्मी कहते आई सॉ द प्रोमो एग्जैक्टली आप लोगों जैसा ही मुझे कुछ भी नहीं बोल दिया कुछ और ही ये है ना मंजूर नहीं है लड़का लेकिन अंकल लग रहा है यार सच में वो हाँ मैं सोचा अभी मैंने उसमें देखा था नहीं 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 उसमें लड़का उसने वो उठाया मेरे को मेरे को मेरे को फीडबैक मिला लड़का ठीक ही लगा मुझे मेहनत अच्छा कर रहा था अच्छा शूट हुआ बट दैट गर्ल इज वेरी प्रिटी गर्ल मुझे श्रद्धा कपूर जैसी लगती है तो लाइक जो प्योर पर उसकी सिस्टर से शक्ल मिलती है उसकी अमृता से लेकिन जैसे मैंने शूट किया ना उसको इनोसेंसी और वो ना वो हमने उसको उस हिसाब से नहीं तो शी लुक्स लाइक श्रद्धा कपूर मतलब कोई कोई क्लोजअप है ना पर वो श्रद्धा कपूर से प्रिटी है ना वजह से हाँ ये लोग भी तो ये कर रहे थे चार बजे उठते थे और ऐसे ही है उस दिन फील में ज्यादा था मैंने आपको बोला साढ़े पाँच ये परफेक्ट है ना मीठा ना ड्राइव एक घंटे का एक डेढ़ घंटे मुझे नहीं खाना चाहिए यार ये तो यहाँ पे हैदर और जोया मिलके प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ सक्सेसफुल होगा या नहीं तो हमें बताएंगे हैदर और जोया सी मैं जादू देखो सी ऐसे प्लान बनाएगा तो कैसे चलेगा नमूना आपके सामने है इसको समझ में नहीं आता कि जोया बहुत ही इंटेलिजेंट है उसकी बात सुने अपना ही कुछ और मेरा इतने भी इनोसेंट नहीं है कि वो उसे फंसा है मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस लोगों को प्लीज आप भी बताइए सर आपका कॉन्फिडेंस तो मैं देख लिया जैसे आपने रुमाल तो मैजिक देख ही नहीं पाए थे वो भी मैजिक था क्या कि मैजिक में भी कुछ फिर से ऐसे चला गया कि पता नहीं लगा वो भी मैजिक था सो मैजिक के अंदर भी मैजिक ओके तुम्हारे लेवल से थोड़ा बाहर ठीक है आपको क्या लगता है हैदर का प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं यार हैदर से अपना टैबलेट तो सही हुआ नहीं। मुझे नहीं लगता उसका प्लान सक्सेसफुल होगा क्योंकि जोया को हमेशा ये लगता है कि दुनिया का हर काम वही कर सकती है अरे मैं शुरू से प्लानर हूँ मैं आज से पांच साल से प्लानिंग करता हूँ पिछले शो में प्लानिंग कर रहा था और इस शो में प्लानिंग ही कर रहा हूँ मैं प्लानर ही हूँ ये छोटे मोटे काम मैं नहीं करता ये टैबलेट ठीक करना और ये करना एंड ऑफ द डे जोया को हेल्प करने के लिए जाना होगा नहीं तो काम हो नहीं पाएगा वो तो मुझे पता ही आपको लग रहा है हैदर को देख के ये कुछ कर सकता है जोया की हेल्प के बिना कुछ वो सिर्फ बातें कर सकता है बाकी कुछ नहीं काम तो कुछ नहीं कर सकता हाँ क्योंकि सी ये अगर एग्जीक्यूट कर रहा है तो एक शार्प माइंड यू नो वन सेकंड प्लीज डोंट डू दैट ये हमारे सेट का तो नहीं है दिखा एक सेकंड इधर इसका फोन लेकर दे मेरे को फोन दे फोन जूनियर पूछ के लेना चाहिए ना कभी भी तेरे को मना करना मैंने बोला भी है कि मैं देता हूँ यार क्या गलत है हाँ चलो तो मेरा आप बताइए आपको क्या लगता है कि हैदर की मतलब एक्सीडेंट हो गया हाथ पैर में थोड़े फ्रैक्चर आ गए तो थोड़ी केयर लेकिन आप तो उनके एकदम उनकी केयर ही नहीं एक्चुअली हाँ ये जो उनका नाटक है मुझे तो सच्ची लग रहा है बट जब पता चलेगा ना आई स्वेयर हैदर मतलब हमारा पूरा खानदान मिलके जो पिटाई करेगा ना हैदर की नहीं नहीं जोया हैदर के साथ हेलो तुम दोनों एक तरफ पूरा बताओ मैं बिजनेस पार्टनर हूँ पार्टनर हो ना मेरे अब्बू तो मैन है हाँ, अरे हेलो तुम्हें मेरा बिजनेस पता नहीं है न्यूयॉर्क माय गॉड ईगो क्लैशेस ईगो क्लैश हो रहा है अभी दोनों के तो यार इनका कुछ कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही हो गया है इनको लाइन पे लाना पड़ेगा थोड़ी धीरे धीरे जोया आपको हमेशा अच्छे फ्रेंड्स मिल ही जाते हैं पहले अयान अभी हैदर मतलब कोई ना कोई आपके यू नो आपके साथ आ ही जाता है तो क्या बोलोगे नहीं ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा मेरे जैसा लग रहा है यू नो मतलब क्योंकि बहुत लाइवली है अगर दिमाग की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है यू नो मेरा और उसके बाद बाकी ठीक है सुन लेता है मेरी बातें मैं इसकी सुन लेती हूँ तो मतलब आई एम एंजॉयिंग हिज कंपनी तो क्या हमें ऐसा मतलब हमें ऐसा जो सीन हमने देखे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हुमैरा और हैदर हैं उनके बीच में मतलब हैदर कहीं ना कहीं हुमैरा को पसंद करने लगे हैं क्योंकि उन्हें बार बार उनके नहीं ऐसा कुछ नहीं है पसंद की बात नहीं है अभी तो बस खाली उसके फेस पे बस एक स्माइल लाने की कोशिश कर रहा है हैदर तो अभी जोया और हैदर का फोकस सिर्फ यहीं पे है कि मतलब हुमैरा जिस फेस से गुजर रही है वो मतलब उससे बाहर निकले और स्माइल और ये जो आप हैं आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो किस तरह से मैं ना एक्चुअली जोया फारूकी जो कैरेक्टर है ना हाँ,
बहुत ही ज्यादा ग्रेट है यार. मतलब अपनी लाइफ में जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो, किसी की प्रॉब्लम दूर करने के लिए ना अपनी हर प्रॉब्लम भूल के उसको सॉल्व करने के लिए लग जाती. तो अभी भी राइट नाउ इतना कुछ फेस कर रही हूँ मैं, घर वाले मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, पुप्पी को परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी व्हेन इट कम्स टू हुमैरा मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, मेरी प्रॉब्लम्स गई भाड़ में, मैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ. सो मैं आई जस्ट कांट हेल्प इट यार, ज़ोया है ही इतनी अच्छी. हाँ, है ही बहुत अच्छी यार, ग्रेट है. Okay, बहन तो मेरी है ना. सी ओके, यानी हमें आने वाले टाइम में और कौन से ट्विस्ट टर्न देखने को मिल सकते हैं आपकी? बस स्क्रिप्ट नहीं आई यार, पता ही नहीं. वही तो हमें खुद नहीं पता. अच्छा, मैं अभी गुल को फोन करता हूँ और आपकी बात ही करा देता हूँ, उससे पूछ लो कि कौन से ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं. हमको पता, हमें गर्मा गर्म स्क्रिप्ट मिलती है यार सेट पे आने के बाद. कितने लोगों के साथ लव करवाओगे यार? वही बात थी, मतलब शो में तीन लड़कों के साथ रोमांस कर चुकी और क्या. अभी तो ये आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा, जानने के लिए देखते रहिए. कबूल है मंडे टू फ्राइडे एट 9:30 ZTV. थैंक यू सो मच. ये देखो गाजर का हलवा खा रही है, कितना मोटा हो गया. बता रहा हूँ कि मत खाओ, थोड़ा कंट्रोल करो. गाजर का हलवा भी खा रही है तो मतलब काफी आप लोग. चलो जी, ये गाजर का हलवा खा के टाइम पास करते हैं डेली, ये बॉक्स खत्म होता है. प्लीज आज प्लीज जरा कैमरा उधर पैन कीजिए, वो श्रुति है. प्लीज 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 श्रुति, श्रुति कम हो प्लीज. दादा वो लेके आई गाजर का. अरे 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 अरे, ये श्रुति है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मुझे इतना ज्यादा प्यार करती है कि देख लीजिए आज मेरे लिए गाजर का हलवा बना के लाई है. एंड ट्रस्ट मी यार, आपको कभी भी श्रुति के हाथों का गाजर का हलवा खाने को मिले तो जरूर खाइएगा, इट्स ऑसम. अरे हमें मिलेगा तब ना जब छोड़ेंगी तो. वही ना, छोड़ा ही नहीं है कुछ. देखो ये बस अपने पास चीज रखी, खाई जा रही खाई जा रही. वैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे मैं बता रहा हूँ कि हर रोज अपने रूम में बैठ के खाती हूँ, आज ही खा रही हूँ बस यहाँ बैठ के. तो मैं बहुत ज्यादा पजेसिव हूँ यार. हाँ। ये इतना यमी बना है मैं किसी को नहीं देना चाहती हूँ, इसे तो बिल्कुल भी नहीं. हाँ। और इससे तो जितना मर्जी खिला लो ये ऐसी रहेगी, इसलिए कोई फायदा नहीं.